नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 1926 ईस्वी 1927 ईस्वी इस समय का क्या नक्शा हमें गुलजार बाग सर्वे कार्यालय पटना से मिल सकता है। तो दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें नक्शा के ऊपर, तो नक्शा के ऊपर बहुत सारा वीडियो मेरा बन चुका है। साथ ही अगर नक्शा निर्गत करने की बात अगर करें, तो नक्शा कैसे निर्गत किया जाता है, नक्शा कैसे निर्गत करें, स्टेप बाय स्टेप, इस प्रकार का एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। मेरे अमानत नॉलेज चैनल पर विजिट करके आप उसे देख सकते हैं। और स्टेप आप या कोई भी साधारण व्यक्ति खुद से नक्शा कैसे निर्गत कर सकते हैं गुलजार बाग सर्वे कार्यालय पटना जाकर, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। उसे आप देखेंगे, उस वीडियो को देखकर खुद से नक्शा निर्गत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वहां पर 1926 ईस्वी 1927 ईस्वी इस समय का क्या नक्शा मुझे मिलेगा। तो दोस्तों आपको आपके यहां, मतलब जहां का भी आप नक्शा निर्गत करना चाहते हैं, उस जिला का सर्वे कब किया गया था आपको ये देखना है। एक सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे, जिसे कि सीएस बोला जाता है, ठीक है, और एक है रिविजनल सर्वे, जिसे कि आरएस बोला जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपके क्षेत्र में कौन से सर्वे की मान्यता दी गई है और कौन सी नक्शा की मान्यता है। मतलब आपके क्षेत्र में जो सर्वे किया गया कैडेस्ट्रल सर्वे, वही अभी तक उसी की मान्यता है, या फिर कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद रिविजनल सर्वे भी किया गया तो रिविजनल सर्वे की मान्यता दी गई है प्रेजेंट टाइम में, या फिर कैडेस्ट्रल सर्वे की मान्यता दी जा रही है प्रेजेंट टाइम में, ये देखना है। जिसकी मान्यता होगी वो नक्शा आपके लिए वैलिड होगा और आप उस नक्शा को निर्गत कर सकते हैं। कहीं कहीं पर यह भी देखा गया है कि रिविजनल सर्वे हो चुका है, उससे पहले तो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था वहां, तो कैडेस्ट्रल सर्वे होने के बाद रिविजनल सर्वे भी हो गया, लेकिन मान्यता दी जा रही है कैडेस्ट्रल सर्वे की ही। कहीं पे यह देखा गया है कैडेस्ट्रल सर्वे हो चुका है और उसके बाद रिविजनल सर्वे हुआ है, तो रिविजनल सर्वे की मान्यता दी जा रही है। तो ये आपको देखना है कि कौन से समय की मान्यता वर्तमान समय में दी जा रही है, किस नक्शा की मान्यता चल रही है, और वही नक्शा, मतलब रिविजनल है तो रिविजनल और कैडेस्ट्रल सर्वे है यदि तो कैडेस्ट्रल, जिसकी मान्यता है उसकी नक्शा हम निर्गत कर सकते हैं। तो नक्शा कैसे निर्गत करेंगे उसके ऊपर वीडियो देखिए, खुद से आप निर्गत कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।